हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट जो लोकल विंड्स हैं उनके बारे में। मैं प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को बता चुकी हूँ यूरोपियन कंट्रीज की लोकल विंड्स कौन कौन सी है, अफ्रीकन कंट्रीज के लोकल विंड्स कौन कौन सी हैं, और जो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसके लोकल विंड्स कौन कौन सी हैं। आज हम बात करेंगे जो आपका साउथ अमेरिका है उसमें कौन कौन सी लोकल विंड्स हैं। तो अभी हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की जो विंड्स है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें जोंडा विंड की। तो आप सभी जानते हैं कि साउथ अमेरिका जो है यहाँ पर कौन सी पर्वतमालाएं हैं आपकी, जो एंडीज पर्वतमालाएं हैं वो पाई जाती है, ठीक है। अब जोंडा जो विंड है वो बेसिकली कहाँ चलती है, आपकी एंडीज पर्वतमालाओं के पश्चिमी क्षेत्र को पार करके इधर की तरफ प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन है जोंडा विंड की। अब इस विंड की क्या खासियत है, ये विंड भी कैसी है आपकी, गर्म है, ठीक है। और इस विंड को वहां पर किस नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, इसको विंटर फोहेन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो आपका साउथ अमेरिका है उसमें जोंडा पाई जाती है, जो एंडीज पर्वतमालाओं के पश्चिमी हिस्से को पार करके उसमें ये प्रवेश करती है और यहाँ पर ये होट होती है और ये विंटर फोहेन के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद इसमें एक दूसरी पवन भी चलती है जो कहाँ चलती है, आपके अर्जेंटीना, यहाँ पर आपका अर्जेंटीना पाया जाता है। और अर्जेंटीना में आपकी जो पवन चलती है उसको क्या बोलते हैं, पम्पेरो बोलते हैं। आपने पम्पेरो घास के मैदान भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर पम्पेरो जो पवन है वो विंड पाई जाती है। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी आपसे ब्रिकफील्ड की। तो ब्रिकफील्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये कहां चलती है, बेसिकली आपकी इस रीजन में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी एक और जो विंड जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है उसमें साउथर्न से चलने वाली एक और लोकल विंड है जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर साउथर्न कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका जो बचता है एशिया और साइबेरियन पार्ट। तो साइबेरियन पार्ट में मैंने आपसे एक नॉर्थ अमेरिका में एक पवन की बात करी थी जिसको नॉर्दर्न विंड भी बोला जाता है, वहां पे जो क्या थी ब्लिजार्ड का आगे बढ़ा हुआ रूप था। तो ब्लिजार्ड से नॉर्दर्न से पार करके वो साइबेरियन का जो पार्ट है यूरोप का वहां प्रवेश करता है और यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, आपका बुरान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हो गर्मियों में हमारे यहाँ पर जो चलता है जो आपका पूरी बेल्ट है राजस्थान हरियाणा और उत्तर पश्चिमी जो बेल्ट है यहाँ पर, तो ये जो विंड यहाँ पर पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, लू विंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ की लोकल विंड्स है। तो सभी को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विंड कहाँ पर पाई जाती है, जैसे आपके साउथ अमेरिका में हो गया जोंडा और पम्पेरो, ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा है ब्रिकफील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण की तरफ ये जा रही है, और आपके दूसरी कौन सी विंड है साउथर्न विंड है, यहाँ पर आपकी लू मिलती है और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या मिलता है जो नॉर्दर्न अमेरिका की जो नॉर्दर्न जो विंड थी या फिर ब्रिकफील्ड का आगे बढ़ा हुआ जो विस्तार साइबेरिया में पहुंचा था वो बुरान यहाँ पर पाया जाता है। तो ये थी आपकी लोकल विंड्स जो मेन इंपॉर्टेंट थी काफी, तो मैंने सारे विंड्स को कवर कर लिया है और आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसमें भी हम देखेंगे कि और कौन कौन से मेन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के जो यूजीसी नेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन वहां से आता रहता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।